और शासन प्रशासन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत में ग्रामीण इन सुविधाओं से वंचित हैं। मामला सतना के कंचनपुर का, जहां सड़क न होने की वजह से स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को कीचड़ भरी राह से गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीणों ने अधिकारी से शिकायत की, लेकिन ग्रामीणों को हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आलम यह है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कहते आ गई आपको, आप साइकिल ही वहाँ साइड नहीं जाएगी, फंस जाएगी तो कैसे तो आप क्या करेंगी? आप पापा अब कुछ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, घसीटते घसीट ले जाएंगे। कहाँ पढ़ती हैं आप? एक्सीलेंस में पढ़ते हैं, अमरपाटन में। अरे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जाते हैं तो फिसल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ड्रेस पहन के जाते हैं स्कूल? यस सर। तो आज तो नहीं पहने हो? आज नहीं है। क्यों नहीं पहने हो ड्रेस? गंदे हो गए थे। जाते हैं छजील जाते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं हम लोगों को, हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये बहुत दिन अरे सालों से है। रोड नहीं बनी? नहीं। रोड अपने पैसे से हम बनाए, 3 साल से बनाते हैं। तो नहीं तो बनी है रोड? नहीं बनती तो क्या करे? सरपंच के फोन लगाए तो कहीं थे नहीं करे, सिक्योरिटी कहा तो घूस दिया, पैसा दिया तो हम डारा नहीं डारा। मांग की कलेक्टर के यहाँ, फाइल गई, सब कैंसिल हो गया। क्या बोलते विधायक जी? क्या बोलते विधायक जी? बोलते मेरे बस की बात नहीं, शासकीय कोई सुविधा नहीं है आने जाने के लिए। ठीक है, इस बात के लिए हम आवेदन भी किए हैं। ये आवेदन हम पहले तो ग्राम पंचायत में किए, ग्राम पंचायत से नहीं माने तो विधायक जी नारायण त्रिपाठी जी को किए, उसके बाद हम बोले गणेश सिंह संसद जी को के पास गए, फिर भी नहीं माने तो कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में गए। ठीक, बोलते हैं तो हो जाएगा, काम होगा, लेकिन आज तक हम इतना भटके हैं, आज तक यहाँ कोई देखने नहीं आया।